एक एग्जिबिट है भाई एनआईटी अगरतला हमारे पास 21st रैंक का एनआईटी है भाई ये वाला कॉलेज 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज आपको देखने को मिलता है 150 नंबर यार आपके लगभग जा रहे होते हैं अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए 130-135 नंबर में मिलता दिखा हुआ है तो इस हिसाब से आप अप्रैल की प्रिपरेशन अपनी फाइन ट्यून कर सकते हो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। हेलो एवरीवन कैसे हो आप सबके साथ एक बहुत प्यारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं टॉप 10 एनआईटीज ऑफ इंडिया ये वाली वीडियो बनाने चले थे हम फिर मैंने सोचा थोड़ा सा और ज्यादा इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए देते हैं टॉप 12 बना दिया इसको और फिर एक दो बोनस एनआईटीज और ऐड कर दिए मजा आएगा देखने में सारे एनआईटीज की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी क्या फीस रहने वाली है उनकी क्या लोकेशन रहने वाली है उनकी अच्छी बात है उनकी क्या बुरी बात है कितने मार्क्स पे मिलेगा ये वाला एनआईटी सब कुछ आप लोगों के लिए कवर करेंगे। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपने टारगेट सेट कर लो इस वाली वीडियो को देख के 15-20 लाख रुपए के एवरेज पैकेज जाने लग रहे हैं एनआईटीज के जल्दी से देख लो खुद समझ आ जाएगा। पहले से शुरू करते हैं भाई बाप एनआईटी है ये हमारा एनआईटी त्रिची फर्स्ट नंबर पे यार इसको हर साल रैंक किया जाता है और इसका रीजन है इसकी बहुत ज्यादा यार हाई कट ऑफ जाती है कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 230 और 245 नंबर। दिस एनआईटी इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर माय फ्रेंड्स फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री बिकॉज बहुत आपको एक सॉलिड एनवायरमेंट देखने को मिलता है 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था फीस वही यार जो आपके जितने भी एनआईटीज हैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा यही मान के चलो आप 2-2.5 लाख रुपए एक साल की रहने वाली है तो आपको 11-12 लाख रुपए में पूरा बीटेक एक्सपीरियंस एक एनआईटी से देखने को मिलेगा। दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट एनआईटीज 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 53 लाख पर एवरेज पैकेज यार इसका किसी भी आईआईटी से कम नहीं है लगभग 20-21 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहता है। आपको ऊपर के आईआईटीज ही दे रहे होते हैं ये वाले पैकेज तमिलनाडु में है ये तो नॉर्दर्न इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आप किसी भी स्टेट के हो तो चांसेस आर कि आपको एक ना एक कोई ना कोई एनआईटी होम स्टेट पड़ रहा होगा तो पूरी देख लोगे तो सारी स्टेट्स मोटी मोटी कवर हो रही होगी। एनआईटी सूरतकल की बात करते हैं एनआईटी सूरतकल क्यों जाए भैया हम इस कॉलेज इसलिए जाना है क्योंकि अगर आपको चाहिए गोवा वाले बीच के मजे तो गोवा वाले बीच के तो नहीं अगर सूरतकल का खुद का बीच है यार अपने पास तो फिर वो वाले मजे आप बिल्कुल ले सकते हो। काफी ज्यादा पुराना कॉलेज है ये 50 साल से ज्यादा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है ये 75 साल कंप्लीट होने वाले कॉलेज के। फीस की बात करें तो वही यार सेम रहने वाली एवरेज पैकेज उसका भी काफी ऊपर रहता है 18-19 लाख देखने को मिलता है 55 लाख का हाईएस्ट पैकेज निकला है कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑफर्स भी निकल जाते हैं 225-230 नंबर लाने पड़ेंगे कर्नाटक इसकी स्टेट पड़ती है इस कॉलेज को भी आप देख सकते हैं। नंबर 3 नंबर पे यार हमारा आ जाता है एनआईटी वारंगल थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन के लिए बहुत फाइट चलती है भाई पर एनआईटी वारंगल जनरली हमें जीतता हुआ दिखा है। फीस की बात करें तो वही सेम रहने रहोगी एवरेज पैकेज की बात करें तो 12.5 ओवरऑल पैकेज चला जाता है क्योंकि ब्रांचेस बहुत सारी हैं इस कॉलेज के अंदर पर अगर हम ऊपर वाली ब्रांचेस की बात करें तो 14.5-16.5 लाख रुपए तक हमें एवरेज पैकेज देखने को मिला है। हाईएस्ट पैकेज काफी सही है कॉलेज का 88 लाख देखने को मिला है 220-225 नंबर पे यहां पे कंप्यूटर साइंस मिल रही होगी तेलंगाना वाली साइड भैया सारे सदर्न वाले आ रहे हैं यार आएंगे नॉर्दर्न वाले आएंगे उड़ीसा की साइड आ गए धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं तमिलनाडु से उड़ीसा पहुंच गए हैं। फीस आपको देखने को मिल गई है हमारी एनआईटी राउरकेला की बहुत बढ़िया कॉलेज अगेन हाईएस्ट पैकेज 46 लाख का देखने को मिलता है लोकेशन यार अगेन इसकी उड़ीसा रहने वाली है कंप्यूटर साइंस आपको अबव 200 मार्क्स अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अपने टारगेट करने पड़े हैं कंप्यूटर साइंस के लिए होम स्टेट हो या अदर स्टेट हो होम स्टेट का मतलब कि उड़ीसा के अगर आप खुद कैंडिडेट हो और आपने जो अपनी स्कूलिंग यहीं से करी है तो आपका यहां पे होम स्टेट लगेगा वरना आपका अदर स्टेट लग रहा होगा ये चीज भी समझ आ गई। अगला चलते हैं एनआईटी कैलीकट पे फिर से भैया साउथ वाली साइड आ गए एनआईटी कैलीकट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है यार अगेन 12.5-15 लाख रुपए का एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। एनआईटी कैलीकट के मार्क्स की बात करें तो 210-215 मार्क्स लाने होंगे भैया पूरी पीपीटी कहां मिलेगी यार टेलीग्राम चैनल है यशगर वहां पे जाके जल्दी से देख सकते हो। अगले कॉलेज पे लेके चलता हूं भैया नॉर्दर्न इंडिया के कॉलेज दिखा दो वीएनआईटी नागपुर के बाद आपको नॉर्दर्न इंडिया का एक कॉलेज दिखाता हूं हमारे आकाश मजुमदार भाई का कॉलेज है ये फीस इसकी 82,000 आकाश का चैनल बिल्कुल चेकआउट करना बहुत जेन्युइन एकदम ठीक है अपनी डे इन द लाइफ बनाता है प्यार हो जाएगा आपको एनआईटी की लाइफ से। हाईएस्ट पैकेज 34-35 लाख का जाता है कॉलेज के अंदर अबव 200 मार्क्स यहां के लिए भी टारगेट करने पड़ेंगे महाराष्ट्र के अंदर हमारा ये वाला कॉलेज जो सिचुएटेड है। अगली बात कर देते हैं एनआईटी दुर्गापुर पे आ चुके हैं हम एनआईटी दुर्गापुर या ब्रिटिशर्स के जमाने का कॉलेज है पहले इसका नाम रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करता था ऊपर के 10-11-12 एनआईटीज के अंदर हर साल ये हमारा एनआईटी दुर्गापुर आ रहा होता है अभी हम 7th रैंक पे पहुंचे हैं। फीस 94,000 देखने को मिलेगी हाईएस्ट पैकेज 70,000 का 70 लाख का 70,000 का भैया हाईएस्ट पैकेज कैसे चलेगा आज तुम्हारे भाई का दिमाग खराब हो गया 70 लाख रुपए के एवरेज पैकेज लग जाए भैया तो फिर क्या वीडियो देखने की जरूरत और पढ़ाई ही पढ़ाई होगी फिर तो ऐसी कोई बात नहीं है 70 लाख के एवरेज पैकेज कहीं नहीं लग रहे हैं उसके लिए हार्वर्ड स्टैनफोर्ड एमआईटी जाना पड़ेगा हाईएस्ट पैकेज 70 लाख एवरेज पैकेज है 13.5-14 लाख रुपए का देखने को मिलेगा ऊपर की सॉफ्टवेयर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ ओवरऑल कॉलेज का पैकेज हल्का सा नीचे रहता है लोकेशन की वजह से यार भाई वेस्ट बंगाल के अंदर है कॉलेज उसकी वजह से नीचे जाता है पर एनआईटी दुर्गापुर का ब्रांड और नाम अपने आप में काफी
ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज समझ आ गई। तो एनआईटी इलाहाबाद की तरफ चलते हैं। एनआईटी इलाहाबाद काफी ज्यादा फाड़ू कॉलेज ऊपर के यार, ठीक है, मतलब छठे सातवें आठवें पोजीशन में बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है। तो इसको हमने रख दिया 8th पोजीशन पे। 84,000 की फीस है, एवरेज पैकेज 13.5 से 14 लाख देखने को मिलता है। हाईएस्ट पैकेज सुन के आ जाएगा मजा, 1.35 करोड़। जो भी आप कंपनी बोलोगे, गूगल बोलो, अमेजोन बोलो, माइक्रोसॉफ्ट बोलो, सारी कंपनी कॉलेज के अंदर आती है, हायर करती है। कॉलेज की बात ही निराली है। उत्तर प्रदेश राम जन्मभूमि के अंदर हमारा ये वाला कॉलेज सिचुएटेड है। कंप्यूटर साइंस होम स्टेट 200 और कंप्यूटर साइंस अदर स्टेट 215। अगेन अबव 200 मार्क्स लेके चलने पड़ेंगे। और अगर प्रीमियर एनआईटी को हम कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं अप्रैल में, अगर 120-130 नंबर आए हैं तो पढ़ाई कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ऊपर के एनआईटी आप लोगों को निकालने, अगली बात कर लेते हैं। 9th रैंक पे चलते हैं एनआईटी सिलचर, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ टाइम वेस्ट किए बिना, ताकि आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अपनी स्टेट और रैंक के हिसाब से निकाल सको। फीस यार 80,000 रहने वाली, एवरेज पैकेज 13.5 लाख देखने को मिलेगा, हाईएस्ट पैकेज 80 लाख। असम के अंदर सिचुएटेड है, अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट से इस वीडियो को देख रहा है तो उसको एक कॉलेज काफी ज्यादा बड़ी ऑप्शन हो सकता है। ऊपर के ही एनआईटीज में इस कॉलेज को भी कंसिडर किया जाता है, बच्चे कम नॉर्थ ईस्ट होने की वजह से प्रेफर करते हैं। आ चुका यार एनआईटी जयपुर, हमारे फिजिक्स गैलेक्सी आशीष अरोड़ा सर का कॉलेज एमएनआईटी जयपुर। बड़े बड़े भाई, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लो आप, एलम बेस देख लो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एमएनआईटी जयपुर और दिल्ली के डीटीयू एनएसआईटी लगभग बराबर माने जाते हैं। प्लेसमेंट्स के लिए सेम कंपनीज आ रही है, सारी फैंग कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। फैंग के अलावा अगर आपको ईसी वगैरह ब्रांच पढ़नी है तो भी कॉलेज के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिकल टाइप की, एयरटेल टाइप की कंपनीज आ रही होती है। तो ऑप्शन हमें भरपूर हरियाणा में भरपूर ऑप्शन हमें मिल रहे होंगे। राजस्थान जयपुर के अंदर सिचुएटेड है, राजस्थान की कैपिटल सिटी, हवा महल से काफी ज्यादा पास है, सिटी पैलेस से काफी ज्यादा पास है। अगर नाच गाना करना है तो पार्टी प्लेसेस बढ़िया है जयपुर के अंदर, ऐसा नहीं है कि वीरान जंगल में बना दिया भैया, डेट पे ले जाने के लिए जगह नहीं है। तो एमएनआईटी जयपुर एक कॉलेज है जो मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, आपको कंसिडर करना चाहिए, काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। अगला आ चुका है एनआईटी कुरुक्षेत्र, जन्मभूमि नहीं रणभूमि, भारी मिस्टेक हो गया सर। ये है हमारी महाभारत की एनआईटी कुरुक्षेत्र, यहाँ से हमारे एक और प्यारे जूनियर संकल्प भाई पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, आई गेस बढ़िया बनाते हैं, ठीक समझ आ गया। बढ़िया फीस रहने वाली है 90,000 रुपए साल की, आए 90,000 रुपए साल की ग्राफिक डिजाइनर की सैलरी कट पर ईयर नहीं आ रही, पर सेम की फीस है तो इंटू टू होगी सारी हमारी, ठीक है। तो 90,000 आपकी पर सेम की फीस बैठने वाली है, इसका मतलब 2 लाख रुपए साल की फीस, 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आपके मम्मी पापा द्वारा, 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा करके 13 से 14 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है। अगर आप यूट्यूबर बन जाते हो तो इसका दुगना तिगना पांच गुना बहुत सारे लोग कर लेते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया बात है। सपोर्ट पूरा है भाई, अगर आप जा रहे हो कॉलेज के अंदर, एक अच्छे कॉलेज के अंदर जा रहे हो, तो मेरे को लगता है कंटेंट क्रिएशन इज वन ऑफ द गिग दैट यू शुड एक्सप्लोर, और आपको करना चाहिए, मजा आ जाएगा। गोल लेके चल लेना अपना, अभी जैसे गोल चल रहा है हमारा #mission99%, फिर अगला गोल होना चाहिए कि #payyourowncollegefees, मेरे को बढ़िया लगता है। अगर आपने अपने कॉलेज की फीस खुद पे कर दी, मजा आ जाता है बहुत ज्यादा। अबव 190 मार्क्स लाके आप अपना ये वाला सपना सच कर सकते हो, ये चीज अगर समझ आ गई। तो एनआईटी जलंधर, बल्ले बल्ले हम आ गए पंजाब की धरती के अंदर। अगर आपको प्यार है, ठीक है, कि हम पिएंगे लस्सी वस्सी एकदम और करेंगे एंजॉय खेतों के अंदर गन्नों के बीच में। खांसी हो गई एनआईटी जलंधर भाई, खांसी हो गई, बूढ़ा हो रहा है तुम्हारा भाई धीरे धीरे। एनआईटी जलंधर 1987 में हमारा ये वाला कॉलेज हुआ था एस्टेब्लिश। 84,000 पर सेम की हमें फीस पढ़ने वाली, अगेन 10 लाख रुपए की फीस, हाईएस्ट पैकेज 50 लाख, एवरेज पैकेज 12 लाख। पंजाब के अंदर यार दो कॉलेज मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, एक आता है पेक यानी कि पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप का कॉलेज है, डीटीयू एनएसआईटी लेवल की अगेन प्लेसमेंट निकाल रहा होता है ये नॉन आईआईटी कॉलेज होके, और दूसरा कॉलेज है हमारा एनआईटी जलंधर, बढ़िया है दोनों, मजा आएगा आपको। यहाँ पे अबव 180 मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आप पंजाब के पुत्र नहीं, और पंजाब के पुत्र हो तो दिल बोले हड़प्पा अंडर 160 आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे और एडमिशन मिल जाएगा, और नहीं मिलता है तो हम आ जाते हैं एनआईटी दिल्ली में। एनआईटी दिल्ली यार हमारा 13th नंबर का आता है, अनलक्की नंबर बोला जाता है 13, पर मेरे हिसाब से एनआईटी दिल्ली आपके लिए काफी ज्यादा लक्की हो सकता है। एनआईटी दिल्ली की दिक्कत यह है कि एनआईटी दिल्ली दिल्ली में सिचुएटेड होकर भी दिल्ली के बिल्कुल कोने बॉर्डर पे बना दिया गया है, तो इनकी कोई इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी नहीं है, गुंडे वुंडे मिलते हैं सड़क पे जितना मैंने सुना है एनआईटी दिल्ली के बच्चों से जब ये रात वात को आ रहे होते हैं, तो ये एक दिक्कत तो है जरूर। पर इन जनरल कॉलेज बढ़िया प्लेसमेंट निकाल रहा है, बहुत ज्यादा फाड़ू, काफी सारी चीजों के अंदर ये बीट कर रहा है अपने दिल्ली वाले कंपेटिटर्स को। तो इसकी कॉलेज की बात करें तो एवरेज पैकेज 17 से 18 लाख का देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट पैकेज 82 लाख का देखने को गया है, और अगर हम बात करें हमारी, ठीक है, कट ऑफ की, तो फिर 175-195 मार्क्स आप मान के चलो। लोकेशन क्या होगी एनआईटी दिल्ली की, हा 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 दिल्ली ही होगी, बहुत गंदे जोक मारते हो भैया। Tyler!
तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल पे। मेरे मध्य प्रदेश के भाई बहनों को मेरा नमस्कार। और MNIT भोपाल यार हमारा अंडर 15 जो होती है, ठीक है, टॉप 15 NITs के अंदर ये एक आ रहा होता है। इस कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हो। डेफिनेटली 10 से 11 लाख रुपए का पैकेज देखने को मिलता है एवरेज कंप्यूटर साइंस वगैरह की ब्रांचेस में, और ज्यादा है। सिटी बहुत प्यारी लगती है मेरे को भोपाल की, अगर आपको पढ़ाई करनी है। कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा ध्यान है। रिसेंटली मेरे को यहाँ पे स्पीकर सेशन करने का मौका मिला था अश्नीर ग्रोवर जी और अलग पांडे सर के साथ। तो इस तरीके की बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज और गेस्ट स्पीकर आपको देखने को मिलेंगे। ये पावर है यार एक NIT का जो ब्रांड आपको दे सकता है और एक लोकल प्राइवेट कॉलेज वगैरह नहीं दे सकता। तो 25-30 लाख रुपए देके सिंगर तो बुला लेगा, पर ये जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है ये यार ऐसे अच्छे NITs के अंदर ही आती है। ये चीज अगर हमें समझ आ गई तो अब 170 मार्क्स आप रख के MNIT भोपाल जा सकते हो। अगर नहीं लगता तो फिर आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नगरी चले जाइए, SVNIT सूरत, गुजरात की साइड आप जा सकते हैं, रुक कर सकते हैं। SVNIT सूरत यार 8 से 10 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको देखने को इस कॉलेज से मिल रहा होगा। 15th नंबर पे आ गए। और अगर आपको कट ऑफ की हम बात करें तो अबव 155 मार्क्स अगर आप गुजरात के कैंडिडेट हैं और अबव 170-175 मार्क्स अप्रैल के अंदर जरूर जरूर टारगेट करने चाहिए, एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। कमेंट करके बताओ कि आपका ड्रीम NIT कौन सा है। कभी कभी हम लिख देते हैं ना तो वो चीज मैनिफेस्ट कर जाती है। एक और वीडियो ला रहे होंगे यार इस चीज पे कि कम मार्क्स अगर आपके आए हैं तो कौन से NITs मिल सकते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, अप्रैल अटेम्प्ट ने फोड़ना है। और जो टारगेट NIT कमेंट करने वाले हो ना भाई, वो वाला गोल दिमाग में बिठा लेना और इस हिसाब से अपना टारगेट स्कोर आपने देख लिया सेट कर दो, पढ़ाई में लग जाओ। ऑल द बेस्ट, बाय।